देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के सत्संग भिरकीबाद मुख्य सड़क पर देवीपुर बाजार में विदेशी शराब दुकान से देर रात 9 हथियारबंद लुटेरों ने 1.5 लाख रुपए की लूट की। इस बाबत शराब दुकानदार ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल से 9 की संख्या में अपराधी आए थे। दुकान पहुंचते ही अंदर घुसकर माथे पर पिस्तौल सटाकर 2 दिन की बिक्री का 1.5 लाख रुपया लेकर चलते बने। इस बीच अपराधियों ने उन्हें जान मारने की भी धमकी दी। लूट हो जाने के बाद इसकी सूचना दुकानदार ने थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो लोग 9 आदमी था। हाँ। वो लोग 3 आदमी पीछा सटाया। हाँ। और उसके बाद सब बोला पैसा देने तो तोड़ोगे, गेट तोड़ देंगे। गेट तोड़ दिया, वो मतलब धक्के मार के खोल दिया। हाँ। उसके बाद सब टोटल पैसा उठा लिया, सबके पास पीछा सटा दिया। कितना पैसा लगे? 1.5 लाख। आपका नाम क्या है? नंद किशोर झा। दो स्टरलिंग ले गए, RS ले गया, एगो उसी ब्लू एगो है, एगो बोतल फोड़ दिया तुरंत लेके व्हाइट एंड ब्लू का। उसके बाद बोलता था मारिए देंगे माता था, और एक हाथ से पिस्टल था, एक हाथ से बोतल सटा रहा था। अब 4 लड़का आके एकदम पिस्टल सटा के बोल रहा था एकदम दो ने तो माधव से अभी मतलब एकदम उड़ाइए देंगे। अभी क्या करते हम लोग? क्या आदमी था वो लोग? वो लोग अभी यहाँ 4 आदमी था, पीछे 4 आदमी खड़ा था और 4 आदमी पिस्टल लेके घुसा था अंदर में, एकदम हाथ लेके एकदम पूरा घुसा दिया था। बोला अभी मार देंगे नहीं तो जल्दी दो जो है सब। कितना पैसा था? 1.5 लाख से पार था मेरा, 1,12,000 पहले का सेलिंग था और आज जो सेलिंग हुआ है उसकी गिनती नहीं था।